हर की पौड़ी से कैसे पहुंच सकते हैं हरिद्वार धर्मशाला पे, अब दिखा रहा हूं। जब भी यहां पर आए तो हर की पौड़ी का ये सामने और जस्ट उसकी गली में हमारे पंडित जी का बिल्डिंग है। मैंने आपको दिखाया पूरा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, धीरे चलाना है। और हमारे लोगों को दिखाना है कि वो कैसे जाएंगे यहाँ से। तो हर की पौड़ी से आप होते हुए धर्मशाला तक कैसे पहुँचेंगे उसके बारे में पूरी डिटेल आपको बता रहा हूँ कि आप शॉर्टकट से जा सकते हैं। कुछ हमारे प्रेमियों ने बोला था कि आप गोविंद जी दिखाना कि कैसे वहाँ तक पहुँचे जाएंगे। तो आप देखें हर की पौड़ी है, गेट से होते हुए आपको रिक्शे के माध्यम से जा सकते हैं। और उधर बाहर के हाईवे से भी मैं बता दूंगा कैसे आना है। ये पूरा दृश्य आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। आम आदमी का यहाँ प्रचार प्रचार चल रहा है साहब। क्या चुनाव चल रहे क्या यहाँ इसके, विधानसभा के हैं? अच्छा, सभी पार्टी 2022 में है। अच्छा, 2022 में अभी थोड़ी है, तो अब आ गया 22, मार्च अप्रैल में चुनाव हो गया। अच्छा, तो ये हल्की पौड़ी से होते हुए आप देखें पूरा गुलजार नज़ारा दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत। आप धीरे धीरे यहाँ से निकल सकते हैं। तो सभी पार्टी दमखम लगा रही, चुनाव हो रहा है अप्रैल, कब है, फरवरी में? हाँ, अरे वाह, नहीं फरवरी में नहीं, मार्च अप्रैल। अच्छा, मार्च अप्रैल में। साथियों ध्यान से देखें, यहाँ से बाज़ार से होते हुए आपको जाना है। और भाई साहब क्या नाम, क्या है मेरा? वीरेंद्र कुमार पाठक। वीरेंद्र कुमार जी हमें ले जा रहे हैं, विजेंद्र कुमार जी पाठक साहब हमें पूरा शेयर करा रहे हैं धर्मशाला तक। और मैं, जैसे कि मैं सुबह आया था, मैंने कहा था ना कि मुझे ठाकुर का कोई ना कोई भक्त तो मुझे ले ही जाएगा। ये पार्किंग है? हाँ, ये पार्किंग है पूरी, पूरी है ना, यहीं एक बस आकर रुकती है, आपके यहाँ की जो बस आती है ना। तो वीरेंद्र जी का, पाठक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये पूरा दृश्य दिखाया है। और हमारा समाज सदा आपका आभारी रहेगा, क्योंकि धर्मशाला में हमारा कोई नाम नहीं था, हमारे महापुरुषों ने कोशिश की और धर्मशाला निर्माण में निर्माण कराई, उनका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। भामाशाहों का कोटि कोटि वंदन। हरिद्वार बिल्कुल उदयपुर जैसा है, बिल्कुल सेम, मतलब अगर गंगा नदी वहाँ होती ना तो वो भी हरिद्वार ही होता है एक तरह का हमारा, लेकिन उसका पानी जो हरिद्वार, जो उदयपुर का पानी है वो इसी गंगा नदी में आता है, वापस नदियों के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में जाता है। हाँ, यानी हम कहें तो अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो माँ गंगे की कृपा से आज आना हुआ है हरिद्वार के इस पावन धरती पर। ये कौन सा इलाका है, कौन सा एरिया बोलते हैं इसको? ये अभी ये ऋषिकेश रोड है। अच्छा, ऋषिकेश रोड है ये पूरा। और एरिया कौन सा है ये एरिया? अभी तो फिलहाल भीमगोंडा चलेगा। कौन सा? भीमगोंडा। भीमगोंडा, भीमगोंडा बिल्कुल लिखा हुआ है, घोड़ा स्टेशन भीमगोंडा एरिया का पूरा। साथियों यहाँ से होते हुए आप जा सकते हैं, हाईवे से भी आ सकते हैं ना? हाँ, हाईवे से भी। हाईवे से और सस्ता पड़ता है ये, अंदर बाजार वाला है हाईवे। अच्छा, हाईवे वाला हाईवे से है। अच्छा, दोनों ही रोड जाते हैं। हाँ, ये भीमगोंडा है, ये भीम ने चलो चलो, हाँ भीमकुंडे बिल्कुल। तो देखिए ये भीमकुंडा है, तो काफ़ी इतिहास है यहाँ का जुड़ा हुआ, ये कुंड है ना पूरा। हाँ, ये कुंड है। हाँ, ये भीमकुंड है। हाँ, भीम ने उसको द्रौपदी को मतलब पानी पिलाया था यहीं से। अच्छा अच्छा, घोड़ा मार के, मतलब पानी से, पैर से घोड़ा मार के निकाला था इसको, बलि को, राजा बलि, पांचाली को। अच्छा, पांचाली को भीम ने। क्या बात है, बहुत पुरानी पुरानी कहानी है ना, बहुत ही प्राचीन चीजें भी है यहाँ पे। वैसे थोड़ा सा आपने रिसर्च किया होगा, हरिद्वार जो नगरी है कब की बसी हुई है ये? ये विक्रमादित्य ने बसाई थी। हैं? विक्रमादित्य ने बसाई थी जाके।
नहीं ये तो वैज्ञानिक दृष्टि से कब बची हुई है यूं, ये तो बात करते हैं, ये तो कहा नहीं जा सकता ना, जितनी जानकारी इसके पास उतना ही बता सकता ना, ज्यादा तो है इंडिया के। अभी देखो, देखो उदयपुर जैसे बसा ना तो उदयपुर की स्थापना की थी हमारे उदय सिंह जी ने, महाराणा उदय सिंह जी ने की थी, और कुंभलगढ़ की जो स्थापना है राणा कुंभा ने की थी। वैसे बताऊँ आपको, जो पहले मतलब जो हम सुनते आ रहे हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे ना, वो ये तपोवन में आते हैं, ये तपोवन है सारा, यहाँ से लेकर ऋषिकेश तक जितना भी ऊपर चले जाओ ऋषि मुनि यही तपस्या करते थे, ये तपोवन है। मैंने सुना महाराज मुचकुंद के बारे में, हजारों साल तक तपस्या की है ना, इन पहाड़ों में ही आगे लोग बाग बिल्कुल बिल्कुल तपस्या करते थे जाके। तो देखिए वीरेंद्र जी के भाई साहब के साथ में चर्चाएं चल रही है इतिहास के बारे में, और टाइम पास भी अच्छा हो रहा है और जा भी रहे हैं, ताकि इतिहास के पन्नों में कुछ हमारा भी विवरण हो, वीरेंद्र पाठक साहब कौन थे, गोविंद कौन था, है ना, ये रोड कैसे थे, ये बिल्डिंगें कैसी थी, हो सकता है उस समय बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो जाएगी, नीचे से देखने के लिए सो के देखना पड़ेगा, है ना, नीचे सो के लेट के फिर देखना पड़ेगा। अभी आप थोड़ा सा मतलब जैसे कि अभी भाई ताजी ताजी मुलाकात हुई है ना, बिल्कुल विस्तार से खुदा करे मतलब भगवान करे कि आप मेरे से फिर मिलते रहो, अरे बिल्कुल उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वैसे तो आप बिल्डिंग पर कैसे पहले खाली कुटिया ही कुटिया बनती थी, हाँ एक समय तो कुटिया ही थी सारी, सही बात है, बहुत धन्यवाद, सही बात है, आप भी हमारे ठाकुर जी के सच्चे भक्त है भाई साहब, भगवान श्री कृष्ण की जी कृपा है और उनकी कृपा से ही ये सब मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे में कोई ताकत नहीं है, जब से मैं उनकी सेवा करने लगा हूँ भगवान जाने कहाँ से वो जुगाड़ मेरे लिए कर देते हैं, है ना, किसको क्या देना है, किससे क्या करना, सब उनके हाथ में है, सारी लीलाएं। अब पहले ये मैं हूँ, अब जा रहा हूँ धर्मशाला पे, अभी बस पहुँच रहा हूँ ना, वीरेंद्र भैया मेरे को छोड़ने जा रहे हैं, जो अपने पंडित जी है ना, हाँ तो वो मेरे को छोड़ने जा रहे हैं, उनका मैं नहीं, या तो हो गया ना, या तो अंधेरा हो गया है और अब लाइटें जली और मैं अब जा रहा हूँ, आधे रास्ते हूँ, मैं देवी के दर्शन करने गया था, नाया धोया पूरा दर्शन करके फिर अब फ्री हुआ हूँ, एक मैं पहुँच गया, 1 बजे पहुँच गया था यहाँ पे। अरे उद्घाटन 7 बजे से है ना, लिखा ना उसमें, हाँ 7 बजे से लगा कर रात्रि जागरण है, भजन संध्या है, अरे बिल्कुल बिल्कुल वीडियो कॉलिंग सब दिखाऊंगा गुरुदेव, अभी भी तो चकाचक है मामला मामला चकाचक है, अरे चकाचक ही रहेगा, लालचंद जी गुरुदेव का हाथ सर पे बिल्कुल बिल्कुल, ये धड़कता रहता है, धड़ 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 बहुत 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 धन्यवाद, ऐसा प्रेम शायद किसी नसीब वाले को ही मिला है, और मुझे लग रहा है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ हाँ आ गया, टिकट आ गया, बिल्कुल आ गया, मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बता रहे हैं धर्मशाला आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आपको 28 को ही मिलूँगा, पर आज आज रात की यही हूँ, कल सुबह यहाँ से निकलूँगा मैं 11-12 बजे, मैं अरजेंद्र से मिलके अरजेंद्र जी से पास जाना है, उनके गांव जाएंगे, फिर वहाँ रात वहीं रुकेंगे उनके गांव में, हाँ 26 तारीख को कल मतलब कल शाम को अरजेंद्र जी के घर जाना है, पता नहीं कहाँ पंचकोड़ा कहाँ है, पंचकोड़ा क्या पंचकोड़ा पंचकोड़ा करके है ना, पंचकोड़ा क्या नाम है गाँव, वही है वो गाजियाबाद के आसपास ही है, तो उनके वहाँ जाऊँगा मैं, और फिर वो मेरे को सुबह वापस भाटी माइंस लेके आएंगे, भाटी माइंस में थोड़ा मंदिर का व्यू लेना है और अच्छा प्रचार करना है, भाटी माइंस में सब लोगों से मिलके 2-3 घंटे का कैंपेन करके और जन जागृति करके फिर उधर आपके सीधा आपके पास, हाँ 28 को मैं आपके पास 6 बजे 5:30-6 बजे मैं आपसे मिल लूँगा बिल्कुल, और ये मैं आपके पास 28 को 5:00-6:00 आऊँगा आपके पास बिल्कुल, नहीं सुबह नहीं शाम को, हाँ 5 बजे आ जाऊँगा मैं, हाँ फिर निकल जाएंगे, अर्जेंद्र जी मेरे को पूरी जिम्मेदारी, 2 दिन मेरे साथ रहेंगे वो, अजय राणा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी
बिल्कुल अच्छे आदमी का प्रयोग लेना है ना गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे आदमी को तो लाना है बिल्कुल आगे। धन्यवाद धन्यवाद। चलो मैं बात चल पहुँच के फोन करता हूँ ना गुरुदेव। अच्छा ये कौन सा इलाका है? ये कौन सा मंदिर है? अच्छा अरे वाह वाह। तो देखें ऐसे आप शॉर्टकट से हर की पौड़ी से ये पूरा रास्ता आपने देख लिया है और इसी रास्ते से आप लोग ऑटो के माध्यम से धर्मशाला तक पहुंच सकते हैं। थोड़ी दूर लग रही है, 4 किलोमीटर यहाँ से दूर है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे हरिद्वार बढ़ रहा है आने वाले समय में वो धर्मशाला हमारे लिए बहुत उपयोगी। कुछ नहीं था अभी 15-20 साल पहले, अभी निर्माण हुआ 15 साल के अंतराल में हुआ है। तो देखें आप कोहरा घना छा रहा है, अब धीरे धीरे कोहरा जो है वो छाने लगा है। और धर्मशाला में क्या व्यवस्था है ये देखिए, रसोई ढाबा उतना बड़ा ढाबा है और ढाबे से होते हुए आपको निकलना है, ऐसा नहीं हो कि आप कहीं गलत दिशा में निकल जाए। एक एक चीज़ देख के निकले, वीडियो से आप पूरा चालू कर दे और वीडियो जैसे चल रहा है वैसे गाड़ी चलती रहे, चलते हो यही है। तो जैन मंदिर वही तो नहीं है पीछे चले गया क्या? हाँ ये श्री कोई आदिनाथ जैन मंदिर है, उसके आसपास में कहीं है। चलो पूछ लेते हैं इनसे। तो मित्रों बिल्कुल ये रोड का पूरा ध्यान रखें और ये बड़ी सारी होटल है, देवगंगा होटल है, इससे होते हुए आपको सीधा सीधा जाते रहना है और एक एक चीज़ का ध्यान रखें। ये बब्बर दा पंजाबी ढाबा सामने दिखाई दे रहा है, बब्बर दा पंजाबी ढाबा, इससे आगे निकलना है, आगे सीधा सीधा पेट्रोल पंप है आगे 1 किलोमीटर, यहीं एक गली है। तो टेंट लगाया होगा शायद, गेट वेट कुछ होगा, यही है ना? हाँ लगा ये गली ही है शांति कुंज का जैन मंदिर, ये रहा वो हाँ जैन मंदिर वाली गली आगे वाली, कुछ तो लगाया होगा टेंट वगैरह तो पता लग जाएगा ना। ये जैन मंदिर है, पूरा जैन मंदिर के पीछे ही है पूरा पूरा। देखें आप जैन मंदिर के यहाँ और समाज की हमारी धर्मशाला है उसको ही, यही है ना। तो ये जैन मंदिर है और इस जैन मंदिर के जस्ट पीछे वाली गली है वो आपको गली बता रहा ना, वही है। तो देखें ये समुद्री धाम और उसके बाद ये जैन मंदिर आता है और जैन मंदिर के जस्ट पास में गली जो जा रही है यही जा रही है, यहाँ बोर्ड तो लगाना चाहिए। और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि समाज के लोग आते जा रहे हैं, बोर्ड लगा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए कहाँ लगा है, वो रहा लिखा हुआ है एक लोग ना। तो ये रहा हमारे और समाज का बोर्ड, धर्मशाला का बोर्ड बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। वाह भैया वाह, वीरेंद्र भैया आपकी जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में आपको इंटरव्यू भी देना है कि समाज के लोगों से आग्रह करना है, अच्छी धर्मशाला देखेंगे पहले कैसी है, फिर लास्ट में हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या बोलना है। ओके बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैननाथ धर्मशाला हो गई, गुरु कृपा हो गई और यहीं कहीं गली में आसपास ही कहीं है आगे जाकर राइट। हाँ क्या बात है क्या बात है, कोहरा जो है वो छाया हुआ है। जय ओढ़ समाज, जय ओढ़ समाज, जय ओढ़ समाज। देखो सब भक्त आ रहे हैं। चलिए यहीं कहीं बनी है तो जस्ट जैन मंदिर के पीछे एक वाली गली है और इस गली में हम आ गए हैं और यहीं कहीं हमारी ओढ़ समाज की तरफ चला। पारिक समाज की आ गई है, कौन सी है ये रही। तो ये रही था, बिल्कुल उजाला हो रहा है, गेट लग गया है। तो मित्रों पहुंच चुके हैं और समाज की हमारी धर्मशाला में, बड़े बड़े महापुरुष विराजे हुए हैं ऐसा लग रहा है, देखते हैं कितनी खुशी की झलक होती है, ये तो अब यहाँ जाके पता लगेगा। आहा भोजन यहाँ पे चल रहा है, काफ़ी लगता है लेट हुआ, काफ़ी देर मुझे हुई है। आहा क्या बात है क्या बात है।
वाह भाई वाह, गोविंद लाल जी आ गए। मैं तो 1 बजे आ गया था, फिर मनसा महादेव जी का दर्शन करने लेके ले गया, तो काफी देर हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। और अपने आप वीरेंद्र जी है? अजी अजी रमजीत। हाँ वीरेंद्र जी, रमजीत जी, रंजीत जी, ये गोविंद लाल जी। बिल्कुल बात हुई थी आपको, मैंने उदयपुर वाले, मैंने आपको कहा भी था आप आइए मुझे, मैं रामनगर तब आया था ना 3 दिन के लिए। अच्छा अच्छा। तब मैंने फोन किया था आपको, देहरादून था उस दिन, शायद आप आ जाते तो मेरा आधा काम सरल हो जाता। नहीं होता, हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। गोविंद लाल जी आए आप, बड़ी खुशी की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। अरे गुरुदेव आपने ये क्या कर दिखाया है? ना ना, ये तो सब आप लाल जी का प्रेम भाव है। शायद आपको नहीं पता आपने क्या कर दिखाया है। बाबा भगीरथ की कृपा है, बाबा भगीरथ की कृपा। मैंने नहीं देखा भगीरथ को, मैंने नहीं देखा सगर महाराज को, मैंने नहीं देखा जसमा माता को, मैंने तो आपको देखा, और सब सब खूबी आपने है। सारा आपका प्रेम प्यार है, आपका सारा प्रेम प्यार। तो देखिए ये हमारे गुरुदेव आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रकाश जी गोंदली इंदौर बागेश्वरी कॉलोनी से है, जो आपके सामने रूबरू हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब 2 दिन हम साथ में रहने वाले हैं, और भाई साहब परमजीत सिंह, परमजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरी नींद संभाली है। लेकिन मुझे आज वो याद रहेगी, 1 दिन मुझे अगर आप दे देते ना तो शायद मैं कुछ और नया कर पाता। कोई बात नहीं, आगे होगी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आप जैसे नवयुवक आगे आए हैं, हम लोग आगे बढ़ाएंगे, बाबा भगीरथ की कृपा होगी, निश्चित तौर पर समाज जो है फिर उस नए पर आएगा। पर आपने ये जो अद्भुत चमत्कार कर दिखाया ना, पता नहीं कैसे किया। सारी उनकी मेहरबानी है। ये शक्ति कैसे आई, ये कैसे शक्ति आपने जुटाई? ये उनका ही मेरे को, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने ही मुझे अंतरात्मा में ये बात दी कि ये बाबा भगीरथ का मंदिर गंगा जी के तट पे बनाना है, बाबा भगीरथ की मूर्ति और समाज की धर्मशाला का कार्य रूप करना है। ये चीज एक यानी जागृत हुई, और उस चीज को ही हमने उनका उसको लेकर के बात कराई की है, और आज यानी पूरा हुआ है, उनकी कृपा हुई है, आज आप सब बिरादरी का प्रेम प्यार हुआ है, यानी उसके लिए मैं बहुत 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 ऋणी हूँ, और उनके लिए बहुत बंधन करता हूँ। आइए परमजीत जी के साथ चलेंगे, और अब पूरी धर्मशाला विजिट कराइए, हमारे पूरे दुनिया के और समाज देख रहे हैं कि आखिर ये कौन। हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ जी जी, आप भी चलिए दोनों। तो ये है धर्मशाला, और धर्मशाला के एक एक करके हम पूरी चीज देखेंगे। ये आज प्राण प्रतिष्ठा की है मूर्ति जी जी। अरे वाह। हाँ मैं थोड़ा लेट हो गया इसका मतलब। हाँ हाँ, मैं 7 बजे का टाइम दिया था ना आपने, ना इसलिए। हाँ जी परम जी जी, किस किस इधर आ जाए। हाँ तो ये 3 मूर्तियां दिखाई दे रही है, 3 ही मूर्तियों के बारे में थोड़ा सा, एक तो भागीरथ जी दिखाई दे रहे हैं, दूसरी माँ दशमा माता है। अरे वाह, गंगा माता जी। अरे वाह वाह वाह, तीसरी है माता दशमा माता की है, जो हमारी कुलदेवी। अरे बाप रे बाप, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। परमजीत जी क्या कर दिखाया ये उत्तराखंड में? उत्तराखंड में हमने क्या किया, जो भी किया, हजारों पीढ़िया हमारी निकल गई, सैकड़ों पीढ़िया निकल गई, ये अद्भुत चमत्कार आधुनिक युग में। ये जो भी सोच और जो भी नींव रखने की बात थी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रकाश सिंह गोगली जी की सोच और विचारधारा के कारण ये हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमें ये चलाते गए, हमें मार्गदर्शन होता चला गया, चलाने वाले यही थे, इन्हीं की ही मुहिम छेड़ी हुई थी, इन्हीं का नींव रखा हुआ था, इन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए आज यहाँ पर पहुँचे कि हमें कामयाबी मिली है, कि हम एक समाज की हम एक अपना निज घर बनाने में कामयाब। आइए क्या क्या दिखाया बनाया है आपने, थोड़ा सा बताइए। तो चलिए आज अध्यक्ष महोदय जी और स्वयं अकाउंटेंट साहब दोनों देखो, कि पहले कोई नहीं आया, ऐसा बंदा कौन आ गया ये। तो ये ना ना, ये तो हम लोग समाज के सेवक हैं, आप भी आप नौजवान लोग हैं, हम लोग कई दिनों से इस सपने को संजो रहे थे। ये कमरा, ये कमरा है, ये कमरा है पूरा, और अच्छा कमरा है पूरा। हाँ नमस्ते, उदयपुर ये कमरा है, और ये मेहरचंद मजूमका जी। अरे वाह वाह वाह, आप ही का नाम लगा हुआ बाहर, देखा मैंने। अरे मेहरचंद मजूमका जी, ये क्या किया आपने? ऊपर वाले ने किया, भाई लोग सब हैं, ये कराने वाले, अद्भुत करके दिखाया।
अरे हरिद्वार में डरते थे आने के लिए, हरिद्वार हरिद्वार कांप जाते थे, तो घर हो गया, घर हो गया। वाह बहुत धन्यवाद, बहुत। ये पूरा हॉल जी, ये पूरा हॉल लंबा चौड़ा हॉल है, करीब मुझे 1000 फीट का हॉल लग रहा है। ये 1000 से कितना है? 1000 तो होगा ही। ये हॉल कितने फीट का हॉल है? 2800 का। 2800 स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ बड़ा हॉल। ये देखियो हमारे सारे देश और प्रदेश से सभी और समाज के सभी विराजे हुए हैं, सब अतिथि के रूप में बता रहे हैं। गोविंद लाल जी, गोविंद लाल जी है। मैं गोविंद लाल और उदयपुर। अच्छा। ये यहाँ पर देखो सभी माताएं बहनें सभी देखो आई है धर्मशाला का आनंद लेने के लिए। वाह भाई वाह, ये क्या कर दिखाया है, जबरदस्त है। धन्य हो हमारे महापुरुषों का, धन्य हो जिन्होंने इतना सुंदर बनाया है। उन दानवीरों का धन्य हो, उन दानवीरों को धन्य हो। हाँ हाँ, उनकी लक्ष्मी का क्या उपयोग हुआ है, यहाँ देखिए कितना सदउपयोग। बिल्कुल, सबका ही प्रेम प्यार है, सबका प्रेम, पूरी ब्रादरी का प्रेम प्यार है, जिसकी हम लोगों ने आगे काम है। वीरेंद्र जी आपका लास्ट में है ना? हाँ, तो ये अपने पुजारी जी है। अच्छा, अपने वो। हाँ जी, तो चाहिए और भी देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है हमारी। देखो माता जी आई है, दादी आई है। ओ हो, हाँ मेरा नाम गोविंद लाल ओड़ है, उदयपुर से आया हूँ। उदयपुर। हाँ हाँ, ओहो कमरा ये, क्या बात है, क्या बात है, ये कमरा ये और है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नमस्ते सभी को, नमस्ते, राम राम, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो गुरुदेव से परिचय नहीं हुआ, आप कहाँ से बता रहे? महाराष्ट्र से बता रहे हैं। महाराज, महाराज है महाराष्ट्र से, पंढरपुर। क्या कर दिया ये हरिद्वार में? बहुत अच्छा किया, चर्चे चल रहे हरिद्वार में। अच्छा है, बढ़िया है। जो करना था वही। बहुत बहुत धन्यवाद माताएं बहनें सभी आई, क्या बात है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत सुंदर लगा। बाबा जी आ गए आज, आज बाबा जी पधार चुके हैं, हमारे प्रधान जी लेट हो गए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर बनाई है पूरी धर्मशाला, पीछे की ओर क्या है। तो सभी बिरादरी के और समाज के लोग देखें आप कितना सुंदर ये धर्मशाला बनाई है, जिसमें चर्चा कर चल रही है, एक एक व्यक्ति चर्चा कर रहा है कि बात क्या सुंदरता। मैं तो हमेशा ये पूरा किचन है। हाँ, और किचन में दो बहनें कुछ काम भी कर रही है। अरे अरे वाह 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 वाह, देखा ना अपनेपन का एहसास हो गया। कोई ना कोई अपना ही है ये, है ना, बनाया तो नहीं है। उदयपुर से, मैं उदयपुर से आया हूँ और गुरुदेव का मैं शिष्य हूँ, आज से नहीं, आज से नहीं हूँ, 18 साल से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, गोविंद लाल जी तो है और 18 आज समाज के बहुत ही जागरूक कार्यकर्ता है। यहाँ पर ऑल इंडिया में इनका एक बड़ा भारी प्रभुत्व, अच्छा नाम है, तो उदयपुर साइड कहीं भी चले जाइए, और इन्होंने अपने भीड़ उठाया है, समाज को निश्चित तौर पर आगे ले जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज जितने भी विराजे हैं इनमें एक एक व्यक्ति में भागीरथ जी दिखाई दे रहे हैं मुझे। हाँ, हाँ, मैंने लिखा था ना भागीरथ जी का ही है सारा ये। और ये जसमा माता की बेटिया। हाँ, जसमा माता की बेटिया। मैंने कहा था ना यहाँ पे वही आएगा जो भागीरथ होगा। हाँ, यहाँ पे वही आएगा जो सगल सम्राट का वंशज होगा, वो माँ बेटिया आएगी। मैंने तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम ये है कि हमारे समाज का भी कुछ अस्तित्व रहे, यहाँ पर ही माँ गंगा के तट पे और हमारे समाज उन समाज की भी कुछ जान बनी रहे, ये ऐसा हम लोगों ने साकार। जब 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 आप जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है, आज नहीं हजारों से पहले लिया है, तब तब समाज जिंदा रहा है। अगर आगे ऐसे महापुरुष जन्म लेते थे, समाज कब का? नहीं, समाज तो रहेगा। समाज को चलाने वाला बहुत बड़ा, आज आपने जो बेड़ा उठाया प्रीतम सिंह जी ने, आप मिले किसने सोच पैदा की होगी? आधे लोगों ने तो मना कर दिया होगा, आधे लोगों ने विरोध किया होगा, अरे कई बातें हुई होगी मुझे पता है। तो सब आपको और आज ये चीज तैयार हुई है,
आज हमारे बाप दादा कहाँ खेतों में हजारों किलोमीटर, हम नहीं जाते वापस। अपने बाप दादा खेती से कोई लेना देना नहीं है, आस्था से लेना देना हमारी संपत्ति। आज ये हमारी संपत्ति है, लोगों को आना ही पड़ेगा। हमें हमारे दिल में दर्द ये था, दूसरे समाज की 3,000 धर्मशालाएं हरिद्वार में है, हमारे और समाज का कोई नाम निशान नहीं है, उसको रखने के लिए ही हमने ये बीड़ा उठाया और उसको आज जरा करके दिया। तो ये बाबा भगीरथ का ही कृपा रही जो उन्होंने जाने शिक्षा। बहुत बढ़िया, गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वो कर दिखाया जो अच्छे अच्छे के बस में नहीं था। लोग तो बातें करते रह गए, तोड़ने वाले किसी को नहीं जोड़ सकते हैं। कोई नहीं, ये तो जोड़ने वाला ही कोई करोड़ों में एक होता है गुरुदेव। जैसे कि पंढरपुर महाराज गांठ मारी थी चावल के, तो 3 घंटे लगाते हो तुम लोग, तुमने करके जाए चीज को माना है। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए। तो देखें सब विराजे हुए हैं, कोई सोए हुए हैं, कोई रात से ही आ गया है, लेकिन गोविंद बड़ा लेट आया है। ये जो है आज दशम माता का इंदौर का हमारा, हमारे घर से हम लोग दोनों प्राणी लगे रहते हैं, आपने देखा होगा। हम आज ये दोनों का हम मैं दोनों फोटो भी देखा, दोनों प्राणी ही लगे हुए हैं, 8 साल हो गए। समाज की सेवा के लिए दौर का जो दशम माता का मंदिर बनाया है उसको लेकर आज हमारे 20 साल हो गए, उन्होंने जोर कर दिया अखंड जोर कर, उसी अखंड जोर की कृपा से ही यहाँ का ये कार्यक्रम है, उसी को ही लेकर के हम लोग आ गए हैं। आज हम लोग कामयाब हुए हैं, बात नहीं करते हैं। आइए मिलते हैं माता जी से, पूज्य दादी तुल्य हमारे, कैसा लगता है? ये क्या कर दिखाया पहले तो ये बताइए, ये क्या कर दिया? आज पूरा परिवार को इकट्ठा कर दिया आपने, पूरे हिंदुस्तान से, अभी तो मैं मिला ही नहीं हूँ, अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं। चलो चलो, सब आप लोग का प्रेम प्यार है, पढ़ा के दी ही हमें यहाँ शक्ति दे कि हम ये सेवा भाव बढ़ाए और अच्छी ब्रांड का नाम हो हमारे पास। आप लोगों को ही संभालना है, हम लोग ये हमारी कामना है और हमारी ये इच्छा है। ये भाग्यश्री कॉलोनी के जो वासिंदे हैं ना, इन्होंने भाग्य सवार दिया समाज का। आप अपने आप को भाग्यवान समझते हैं नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो बड़े भाग्यशाली समझते हैं। हम तो सेवादार हैं, हम लोग आपने सिद्ध कर दिया है कि मैम भाग्य कॉलोनी में रहते हैं तो हम समाज का भी भाग्य बनेंगे। क्यों आए? कोई ना कोई अगुवाई नहीं करेगा तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। समाज हमारा खराब नहीं है, सिर्फ रीवॉश की जरूरत है, थोड़ा सा साबुन लगा के साफ कर दो, बिल्कुल क्लियर भी लगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप, जय माँ चश्मा जी, आपके भंडार भरे रखे, कभी आप स्वस्थ रहे और हमेशा स्वस्थ रहते हैं आप, मैं जब भी देखता हूँ। जय हो, आप लोगों का प्रेम प्यार है, हम ये चाहते हैं कि आगे की बात ये बनी रहे, यानी समाज की कानून इसी तरह आगे चलती रहे, इसका ही हमारे आत्मा को शांति मिलेगी। बहुत बढ़िया, पहले मुझे भी लगा था बहुत दूर होगी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं, 4 किलोमीटर को दूर नहीं होता है, पैदल आ जाता तो मैं पूरा वीडियो बनाया वहाँ से लगाकर यहाँ तक, और उस वीडियो में मैंने पूरा रोड दिखाया कैसे उनको आना है, कहाँ से आना है, क्या क्या बिल्डिंगें बताई है, वो देखते देखते आना है, भटकना नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से सारे लोग यहीं आएंगे। जी जी बताइए, हाँ बिल्कुल डालेंगे, इसकी लोकेशन बन सकती है, ठीक है ना, इसकी लोकेशन गुरुदेव बनती है, इसका लोकेशन करके ये सारे फोटो उस पर अपलोड कर देंगे अपन, ठीक है ना। इसको इसके लिए एक प्रक्रिया होती है, वो डाक आएगी, फिर आएगी, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर होता है उसका, तो हमारे ये को देंगे उनको, तो वो कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और फोटो हमें डालने हैं, हम किसी भी शहर में रहें, इसका लोकेशन खोलना है और फोटो अपलोड करना है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होगा। क्या बात है, क्या करेंगे इसका, बहुत बहुत धन्यवाद।
भोजन भी तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल कर लेते भोजन, मैं बैग वेग बाद में रखता हूँ, एक बार ये हो जाए। तो माँ के दर्शन आपने किए, एक बार कर लें भागीरथ महाराज, गंगा माता और जसवा माता की एक साथ तीनों मूर्तियाँ देखो विराजमान की गई है। हवन यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन हवन का दृश्य भी जरूर देखते, लेकिन फिर भी अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, बहुत ही मनभावक दृश्य। और इधर मंच की तैयारी भी चल रही है सारी सारी, और इधर अपना सब भोजन। तो साथियों अब लेते हैं आपसे अलविदा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, इस धर्मशाला का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, ताकि जन जन तक, जहाँ हमारे समाज के और समाज की बिरादरी के जितने लोग हैं वो सभी यहाँ पे जरूर आए। कोई दूर नहीं है, 4 किलोमीटर दूर है, आराम से पैदल पैदल आप आए ना, पैदल देखिए पैदल पैदल आए हैं और कोई दूर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रात्रि विश्राम पड़ेंगे धर्मशाला में, आराम से कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर आपने बनाई है, देखिए बहुत ही शानदार। सभी दर्शन करते हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सारा प्रोग्राम तो हो गया, तो बहुत ही सुंदर धर्मशाला का दृश्य आप देख रहे हैं, बहुत ही अद्भुत है। आ जाइए सामने, यहाँ से जी भैया कहाँ से आए हैं और क्या संदेश समाज को देना चाहते हैं? हम आए हैं अलवर राजस्थान से, और पूरी फैमिली के साथ आए हैं। अरे वाह वाह वाह, जितने घर में बच्चे थे, मतलब पूरा जोश से आए हैं, साथ में आए हैं, ताकि हम भी देख सकें समाज में अपने क्या क्या हो रहा है, कैसे गतिविधियाँ चल रही है। और ये नहीं कि आज यहाँ पर देखा कि बहुत, यहाँ तक एटलीस्ट आज हमने देखा कि पुणे से भी आए हुए लोग, हमें उनसे मिले भी, जान पहचान भी हुई, लगा कि हाँ भाई अपने लोग वहाँ रहते हैं, अपने लोगों को वहाँ पर क्या पहचान है। बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल हुआ, और यहाँ पर सबसे पहले मूर्ति पर वो मूर्ति पधराई गई, उसमें से एक मूर्ति जो भागीरथ महाराज जी की है, सॉरी जो जसमा माता जी की मूर्ति है, वो हमारे द्वारा पापा जी के द्वारा पधराई गई है। सुदेश कामरा जो है, सुदेश कामरा उनका सपुत्र मनीष कामरा। अरे वाह, और जो उत्साह से यहाँ पर आरती हुई, उनकी सारी मेरे पास वीडियोग्राफी भी है, मैंने देखा, और शायद मैं लाइव भी हुआ था, वो शायद पूरा कनेक्ट नहीं हो पाई, और देखा मैंने जो उत्साह से अपने बाकी पहली बार मैंने आरती सुनी जसवा माता जी की। तो मैं तो मेरे ये बता दूँगा जसवा माता जी की आरती भी होती है, पहली बार देखा, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई है सब देख के। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे दानवीर परिवारों के सहयोग से ये धर्मशाला का निर्माण हुआ है, और बड़े स्तर पर इस धर्मशाला का बनाया गया है। कोई दूर नहीं है, 4 किलोमीटर दूर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये युगों युगों तक हमारा समाज याद करेगा। कोई आएगा विश्राम करेगा तो उसकी सारी थकान उसकी मिट जाएगी, हमारे घर में आराम कर रहा है ऐसा लगेगा। और देखिए तैयारी के लिए सारा बिरादरी है हमारी आई हुई है, पूरा स्टेज है वो कल के लिए तैयार हो रहा है, और कल शायद 12 से 1 बजे तक ये सारा कार्यक्रम ख़त्म होने वाला है, और जब इसकी पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। लाइटिंग व्यवस्था यहाँ ही जो है सुचारू है, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का, और आपने बहुत ही अच्छा काम किया। और वो जो रूपबास में जो मंदिर बनाया है, हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ, हम भी वहाँ पर आपके धर्म मिले थे, हम आपकी मुलाकात हमारी वहीं से मिली। जी 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 जी, मैं आपको वहाँ भी पहचाना था, बाकी आपके लाइव देखते हैं फेसबुक पर, और अभी लंगर चल रहा है, लंगर सुविधा में सारी ऐसी भी है कि एक लंगर तरीके सारी सुविधाएं हैं, रहने के लिए सारी सुविधा है यहाँ पर। हमने देखा कि यहाँ ये नहीं है कि आओगे तो अपने सारा कुछ भी मत लेके आओ, अपने बस कपड़े लेके आओ, और बिल्कुल यहाँ पर सारी सुविधा मिलेगी आपको, रहने खाने की सारी सुविधा, कंबल, सर्दियों में ये नहीं है कि ठंड लग जाएगी, सारी कंबल में सुविधा है, एक की कमी नहीं है, सारी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए समाज की लोगों से आप अपील कर रहे हैं कि सब आइए, इस धर्मशाला का उपयोग कीजिए, ये आप लोगों के लिए बनाई गई है, और इसको बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से भी संचालित की जाएगी। आप यहाँ पर एक ही साथ 3 पूर्वजों के दर्शन कर सकते हैं, हमारे भागीरथ महाराज, गंगा माता और जसमा माता। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सोच के साथ इस धर्मशाला के निर्माण किया गया है। सोच बदलेगी, दशा बदलेगी, दिशा बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खूबसूरत। आइए अध्यक्ष महोदय कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं।
बहुत ही बढ़िया। हाँ हाँ किया यार, हमारे भामा का योगदान। हाँ 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 क्या बात है गोविंद भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हम लोगों का आइए इधर आ जाइए, ये भामा शाह आ जाइए हमारे यहाँ भामा शाह योगदान दाता। ये आइए ना आप भी आइए, ये गुरुदेव जो परिचय करा रहे हैं ये हमारे समाज के भामाशाह तो है ही है, लेकिन ये हमारे समाज के रत्न है। नवलखा जो होते ना, नवलखा रत्न, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं और ये हमारे वो भागीरथ की मूर्त थे। भागीरथ जी कहते धरती कभी बीज नहीं खाती है, वो भागीरथ जरूर जन्म देती है। आप लोग वो भागीरथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपने धर्मशाला को बनाने में जो सहयोग किया, तन मन धन से, तन मन धन से किया इन्होंने, उसके लिए मैं बहुत बहुत ज्यादा ही इनके लिए एक आभार प्रदर्शन करता हूँ। और माध्यम नहीं नहीं ठीक है, यानी हम लोगों ने जो आवाज उठाई उसको पूरा करने के लिए ये कार्यकारिणी में ये भी एक सक्रिय रहे, क्योंकि इन्होंने ही उस चीज को भी बहुत पूरा कर दिया। मेरे मेरे गुरुदेव प्रकाश जी गुंदली ऐसे महान पुरुष है, सबकी प्रशंसा करते हैं, एक रुपया देने वाले की भी प्रशंसा करते हैं कि धन्य हो, है ना, धन्य हो वो परिवार। तो ये आपका बड़प्पन है कि आप सबको आदर भाव देते हैं और इसी वजह से ये काम हुआ है। लेकिन जो है हम उनको ये तो करेंगे ही साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़प्पन है आपका, जो हिम्मत दी है, जो यानी हौसला अफजाई की है। और कहा महाराज बॉम्बे से आते थे, हर मीटिंग में आते यानी अटेंड करते थे, लेकिन बोले ये बनना चाहिए, कहीं कहीं कुछ हो ऐसी बात भी होती थी मन मुटाव, तो ये समझाते थे। आज बात करते हैं समझ के लिए काम करते हैं। गुरुदेव आपका एक छोटा सा परिचय हो जाए, कहाँ से हैं जी? मैं सुरेश भाई चौहान मुंबई से हूँ, ब्यावर ब्यावर पुत्र का। और ये भी गोविंद जी क्या बात है, ये मालूम है ना, मुझे ज्यादा गोविंद भाई भेटते मिलते हैं बहुत। कितना बड़प्पन है आपका कि गोविंद को जानते हैं आप। अरे बाप रे बाप, धन्यवाद। मैं वीडियो भी देखता हूँ, वीडियो भी देखते हैं। तो हमारे एक अच्छे श्रोता भी है और हमारे भाई भी है, मेरे अंकल कह सकता हूँ मैं, तो मेरे पिता तुल्य हो आप, तो एक ही गोद के हम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आज ये आके, और आपने जी ये काम कर दिखाया है। ओहो, अरे मेरे गुरुदेव के तो दर्शन ही नहीं हुए ये तो। अरे वाह 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 वाह, मेरे को तो अभी दर्शन एकदम नजर पड़ी, इतने चेहरे दिखाई दे रहे भागीरथ के, तो मैं किस किस को देखूं। हमारी हमारी बात हो गई थी रूपबास की टाणी में, और आपने वहाँ बात रखी भी थी। गुरुदेव कैसा महसूस कर रहे हैं, ये जो सपना था वो साकार हो चुका है? मेरे जीवन में बहुत बड़ी मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ आज पहली बार। जो हमने एक छोटे से लेवल से चालू करा था, जिले लेवल से, और आज हम राष्ट्रीय लेवल पे पहुँचे हैं। तो जिस तरह भी यहाँ पहली मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हम भी जुड़ सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा श्री चौहान जी को, जो इनने हमेशा इस कमेटी को योगदान दिया। योगदान किस तरह का दिया, आर्थिक योगदान दिया, इन वैसे सहयोग हमेशा करते रहे, कोई विवाद भी छोटा मोटा होते रहे, होते हैं काम में। प्रकाश जी को, इनको दोनों को धन्यवाद दूंगा, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इकट्ठा करके आज ये बाबा भागवत महाराज कृपा से, शिमा जी की माँ गंगा मैया की, तो आज हमारी धर्मशाला तैयार हो गई। रोड लिया उसमें बहुत विवाद हुआ काफ़ी समय से, लेकिन आज सारा कुछ ये तैयार हो गया, और पूरा समाज हम लोग आज आपके बैठे हैं, देख रहे हैं हमारी जगह। बहुत बढ़िया, और ये अलवर से मूर्तियाँ भी अलवर से आई हुई हैं। हाँ, तो ये भी बड़ी मैं बता सकता हूँ, आज महाराज की मूर्ति तो मैंने इसमें हमने दी, और माता की इनको सब लोगों को सबसे बड़ी, ये हमारे लाल सिंह की कुंडली है। ये इतना जो पहले हैं सुरेश चौहान जी 5,55,555, अरे वाह, और सुरेश लाल सिंह जी 3,33,333, संयुक्त है। धन्य हो आप जैसे महापुरुष, आइए उन महापुरुषों से लेते हैं जिन्होंने इस समाज में जन्म लेके शोभा बढ़ाई है, ऐसे हमारे जैसलमेर की धरती से आदरणीय मेरे गुरुदेव, अब मेरे नहीं पूरे समाज के आप एक रत्न हैं। और मेरा तो ये की प्रस्ताव था और समाज में
हमारे पूजनीय प्रकाश सिंह जी को जोधपुर में सुनवाई हुई थी, उसने हम आप और हम सब ने मिलकर एक प्रस्ताव रखा था कि एक हरिद्वार में अपने हर समाज की धर्मशाला है तो क्यों नहीं उन समाज की धर्मशाला होनी चाहिए। मैं तो इस समाज का और प्रकाश जी भाई साहब पूजनीय इसका आभारी हूँ कि सब आज ये धर्मशाला आपके सामने सब लोग देख रहे हो, बहुत बहुत बने आपका भी प्रबंध आभारी हूँ और समाज का आप भी भाई गोविंद जी राजस्थान में भाई भाई से भी आता हूँ मैं तो उनका कहता कुछ नहीं हूँ आशीर्वाद है ये आपका गंगा जी का है माँ सतमा जी का है और चार बुधा का आशीर्वाद है आपके ऊपर उससे ज्यादा कोई बड़ा किसी का आशीर्वाद। बड़ी प्रसन्नता हो रही है, चेहरे देखे आप सभी के मुस्कुराए हुए हैं, खिले हुए चेहरे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से मिले हैं, ऐसे सदियों से मिले हुए चेहरे आप देखे किसी के, सभी भागीरथ की मूर्त दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे और समाज के लिए बहुत बड़ा काम हो गया ये हमारा से है, एक हरिद्वार में इतना बड़ा काम हो गया और समाज गर्व महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, नाम नहीं बताया? राजा मोहित जी वसे। कौन से जिले से हैं? वसे, थाने जिला जी। आप? जी मैं ग्राम बापचा से हूँ, मध्य प्रदेश से, जिला शाजापुर है और आज नाम बताया? मेरा नाम रामदयाल है, रामदयाल गुंडली। अच्छा अच्छा गुंडली है, मैं गुंडलियों का जमा ही हूँ ना, मैं शादी और मेरे गुरुजी उधर गंगल खड़े हैं, रिश्तेदार है हम जी। हमारी जो प्रेरणा है जी, हमारे अध्यक्ष जी ने सब कुछ किया है और हम तो ये चाहेंगे कि वो हमेशा इसी तरह हमारा सहयोग करते रहे और हम जल्दी ही उज्जैन में इसी तरह एक धर्मशाला उनके मार्गदर्शन में बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम कोशिश किया। बहुत बढ़िया, महाकाल नगरी में एक सपना आगे है कि यार वहाँ पर भी ऐसी धर्मशाला बन जाए, उज्जैन ऐसी बात है, वो भी धार्मिक स्थल, धार्मिक बहुत बड़ा धार्मिक, उसके लिए ही प्रयास रहते हैं पूरी मध्य प्रदेश की। अब ये भैरूलाल जी यानी बाबरू जी हैं, ये भी वहीं से हैं, इनका भी यानी बहुत बड़ा सपना हम लोगों का है। क्या कहना चाहेंगे भैरूलाल जी? धन्यवाद। आइए हमारे नवयुग मंडल के हमारे नाथ सिंह जी के पास चलते हैं। मध्य प्रदेश से हूँ और मेरा क्या है कि हमेशा से ही इनके आशीर्वाद, सब लोगों के आशीर्वाद से मैं जहाँ भी कार्यक्रम होता है वहाँ जाता हूँ और जहाँ जो भी सहयोग बनता है वहाँ तत्पर खड़ा रहता हूँ। अब मेरा तो ये सपना है कि जैसे यहाँ का सपना साकार हुआ ऐसा क्या ऐसे ही अपना उज्जैन का सपना साकार हो, और उसके लिए अभी अभी लेटेस्ट में अपने पास 16 लाख रुपये इकट्ठे हो चुके हैं। अरे वाह, जोरदार ताली होनी चाहिए। 16 लाख रुपये इकट्ठे हो गए, 10 लाख रुपये अपने क्या है एक ब्याज से दे रखे वो 6 महीने बाद आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, और अभी कुछ लोग अपने आप देखने भी रहे जगह, और अभी मैं यहाँ से जैसे जाऊँगा तो हम 2-4 लोग मिलके और देखेंगे। जगह तो हमने देख ली थी लेकिन वो क्या है वो अखबार को उसमें आ रही थी तो अपन ने कैंसिल कर दी, क्यों बना नहीं देंगे जो वहाँ के बाहर बनवा के क्या देंगे। अब अपन क्या कर रहे हैं कि वो जगह छोड़ के और नगर निगम से अनुमति वाली जगह है वो लेके आगे देगा, जगह पे अपन ने प्रस्ताव घेराव बना लिया है, बहुत जल्दी मालिक ने कहा कि अगले महीने उस जगह का अपन मोल भाव करके कोई लेखा पड़ी कर लेंगे, आधे पैसे ले लेंगे, 6 महीने बाद उसकी रजिस्ट्री का लक्ष्य रखा है। आगे माता रानी की कृपा है, जो भी हो सब लोगों का आशीर्वाद मिल जाएगा तो वो जल्द वो काम भी अपना सपना साकार हो जाएगा। लाल सिंह जी गुंडली ये हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इंदर सिंह जी गुंडली यानी मालवा वो अध्यक्ष हैं, इन लोगों का सपना है। और इधर आपके भैरूलाल जी ये यानी भैरूलाल जी बाबरू ये यानी वहाँ के यानी सचिव हैं, इन लोगों का सपना है कि उज्जैन के अंदर बनना बहुत जरूरी। क्या बात है, देखो जरूर बनेगी, माँ जसमा कृपा है, यहाँ होगी तो वहाँ भी हो जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा साथ में रहूँगा। हम लोग कृपा यही थी बाबा भगीरथ से, हम लोगों ने प्रार्थना की थी कि हमारे समाज के ऊपर भी कुछ कृपा हो जाए, हमारे समाज की भी माँ गंगा के स्थान के ऊपर उनसे भी विनती की थी
कोई स्थान बन जाए और समाज की बात हो जाए, तो इसके लिए ही हम लोगों ने बारी पूरी कार्यकारिणी बनाई। यानी हम लोग 17 लोग यानी उसके बाद हम लोग 26 लोग और हुए हैं हमारे यानी ये लोगों को आजीवन कार्यकारिणी के सदस्य बनाए, जिनको ये ही फाउंडर हैं ट्रस्ट की मेंबर, ये ट्रस्ट बनाया और समाज सेवा मंडपम धर्मशाला हरिद्वार ट्रस्ट 524/4 रजिस्ट्रेशन नंबर है। हम लोगों ने संकल्प लिया और यानी एकजुट होकर कि ये हरिद्वार की धर्मशाला बननी चाहिए। बहुत बढ़िया, इस चीज को जो है हम लोगों ने एकजुट होकर का एक मिलकर के इस काम को किया है और बिरादरी ने जो है जो प्रेम प्यार दिया है। तो गुरुदेव कितना समय लगा इसको पूरा शुरू से आपकी अगर संघर्ष करे तो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपने एक बात पूछी है, ये सपना यानी 14 अप्रैल 2014 को रखा गया था। अरे वाह, 14 अप्रैल 2014 को पहली मीटिंग हरिद्वार में हुई थी जिसमें ये सपना समझाया गया कि हरिद्वार के अंदर धर्मशाला बन जाए। उसके बाद हमने जोधपुर के अंदर मीटिंग की थी 2006 में पहली मीटिंग की थी, फिर उसके बाद हमने 2014 में यहाँ कार्यकारिणी बनाने के लिए मीटिंग रखी थी। तो यहाँ पर आए तो लेकिन वो मीटिंग बिल्कुल अच्छी रही, सारी बात रही, उसमें काफी कुछ लोगों ने यार वो भेजा उत्साह दिया और साइकिल मीटिंग करने के लिए हमने कहा कि कार्यकारिणी बनाई जाएगी उसके थ्रू हम लोग काम करेंगे। वो जो सेकेंड मीटिंग हुई वो थोड़ी थी और ये हमारी परीक्षा लेने के लिए बाबा भगीरथ ने उसके अंदर यानी बहुत कुछ हमें यानी सबक सिखाने की कोशिश किया और यानी बिरादरी आई, बहुत बिरादरी आई, लेकिन उसके अंदर जो हमें बड़ा संघर्ष रहना पड़ा और वो एक थोड़ा सा राजनीतिक मंच हो जाने की वजह से हम लोग थोड़ा उसके अंदर कहीं ना कहीं वो खा गए, ठीक है, लेकिन वो वाली बात नहीं बनी। लेकिन हमने उसमें हिम्मत नहीं हारी, फिर तीसरी मीटिंग जो है हमने नवंबर 2015 में की, तब जाकर के हमारी यानी ट्रस्ट कार्यकारिणी का गठन हुआ और उस दिन ही अंबालाल जी कहाँ है जो 1,022,000 रुपये निकाल के दिए और हमने प्लाट कट्टों का मनी उसी दिन उसी दे दिया। अंबालाल जी जोधपुर वाले, जोधपुर की बाजी के हिसाब से उनका ये बहुत बड़ा उत्साह रहा और हालांकि हमने कहा कि भाई देखिए होगा होगा सबका पूरा, बोले जरूर होगा जरूर होगा, मैंने कहा आप लोगों को सहयोग करना होगा, आप लोगों को करना होगा। तब हमारे यहाँ से राजस्थान के या ज्यादा सब लोग जितने भाई थे तो नहीं नहीं हम लोग प्लाट लेंगे 1 करोड़ का या 50 लाख का जो भी प्लाट होगा, सबसे पहले हम लोगों ने हमारा चर्चा किया, दो ग्रुप बनाए गए, दो ग्रुप में 25-25 लाख करना है। एक पहला ग्रुप था हमारा यानी हरियाणा दिल्ली और चंडीगढ़ और पंजाब, हाँ जी उनको 25 लाख रुपये इकट्ठा करना था। बिल्कुल, दूसरा ग्रुप जो हमारा था उसके अंदर ज्यादा उत्तराखंड था, राजस्थान था, एमपी था, गुजरात था, महाराष्ट्र था, हम लोगों को यानी 25 लाख रुपए इकट्ठे करने थे, तब 50 लाख का प्लाट। एक साल के अंदर हम लोगों ने वो काम करके दिखा दिया और 2016 में हमने यानी प्लाट की रजिस्ट्री कर दी। ये बाबा भगीरथ की कृपा हुई, बाबा जिसने हमारा सबसे बड़ा सुरेश भाई काम किया, इन्होंने भी हमें बहुत हौसला अफजाई की तो होना है करना है इस काम, जहाँ जहाँ भी रहा था इन्होंने प्लाट कर दिया और आज जन बाबा भगीरथ माँ जसमा की कृपा है कि आज पाँच बिरादरी के लिए हम लोग उस चीज को मुकाम के लिए पहुंचे हैं। सारे ट्रस्ट के कार्यकारिणी ने एकजुट होकर तो उसको तय दिल से उस बात को किया, चाहे कितने भी हरियाणा से थे, अलवर से थे, महाराष्ट्र से थे, या ये बात के लिए उत्तराखंड से थे, पंजाब से थे, सब लोगों ने एकजुट होकर उस बात ये बात हम धन्यवाद आप बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आका पलम्बर हूँ। तो कहते हैं बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, रहमन हीरा कब गए लाख हमारे मोल, ये हमारे सब रहमन हीरे हैं और ये पूरे समाज की बिरादरी के जो मैं आका पलम्बर हूँ। देखिए देश और अलग अलग राज्यों से निकलकर सारे आप आए हैं और एक ही मन में आस थी कि ये कौन सी धर्मशाला बनी है। मैं भी यही सोच रहा था कि धर्मशाला कैसी बनी है, मैं अपनी आंखों से देखूंगा। तो इसीलिए मेरा यहाँ आना हुआ और आप सभी ने प्रेम दिया, मित्रता निभाई है, गुरु का आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह हम मिलेंगे फिर हम एक नई झलक के साथ, एक अच्छा भंडारा होगा, उसमें पूरी बिरादरी के लिए कहा गया है, यानी अच्छा। बिरादरी जोधपुरी बिरादरी की तरफ से है, हाँ। कि हम पूरी बिरादरी को उस हिसाब से अन्नदान का करना चाहते हैं और वो लोग यानी उन्होंने एक बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा जयकारा लगाए गुरुदेव।
बोलो ठाकुर जी महाराज की, बोलो माँ जसमा जी की, सगर सम्राट की, भागीरथ महाराज की, और समाज की, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश जी गुंदली साहब की जय हो। साहब सभी की जय हो, सभी भक्तों की। हाँ वाह भाई मजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप चाहे तो पूरी रात बोल सकते हैं, आपको अधिकार है। नवयुवक के लिए या समाज के लिए मैं कह रहा हूँ, जो समाज के अपन कोई भी बीड़ा उठाएं, कुछ भी काम करें, उसको बड़े पारदर्शी तरीके से रखें। बिल्कुल, हमने यानी यहाँ का पूरी ट्रस्ट कार्यकारिणी का जो कार्यक्रम किया है, पूरी पारदर्शिता, एक एक ट्रस्ट का किसी से भी पैसा लिया गया है उसका हमने बुकलेट बनाई है, बुकलेट के अंदर उसका पैसा रखा गया है, ट्रस्ट के अंदर हम लोग पैसा पूरा अकाउंट रखते हैं, 6 आदमी साइन करते हैं, तब जाके उसमें पैसा निकलता है। सही बात, यानी इसी हिसाब से ही कोई भी कार्य किया जाए, ताकि कहीं कोई भी किसी बिरादरी को कहीं ऐसा ना लगे कि कैसा कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है। इसके लिए हमने हरिद्वार धर्मशाला का पूरा रिकॉर्ड इस तरह से रखा हुआ है, आगे के लिए आप लोग कोई भी कोई काम करें, कहीं कोई धर्मशाला बनाए, तो इस काम को जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज में एक आगे बात जाती है, लोग ये समझते हैं, यानी उनको विश्वास नहीं होता है कि यार क्या मानो हमारा पैसा कहाँ लग रहा है। नहीं गुरुदेव, ये जो आप खड़े हैं ना, ये एक भी आपको कभी नहीं पूछेंगे, कभी ये नहीं पूछेंगे हिसाब क्या है, पूछेंगे आपके ही अपने रिश्तेदार, आपके ही, बाकी कोई नहीं पूछेगा। जो लेने देने वाला होगा वो पूछेगा। नहीं नहीं, रखना चाहिए, पूछे या ना पूछे, मेरा मतलब वो है, यानी जो हमें जो करने वाले लोग हैं, ड्यूटी है, जो हमारे साथ कार्यकारिणी है, हमने अपना हिसाब किताब पूरा रखा हुआ है। आपसे ये कभी नहीं पूछेंगे, ये दान दे के भूल गए, इन्होंने तो भेंट कर दिया है। आपने भी गंगा माया को ये और समाज, और जो इसके आरोप लगाएगा उसको भुगतना भी पड़ेगा। ये बैठी ना तीन मूर्तियां, ये सब कर देगी, उनको चमत्कार दिखा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माँ भंडार भरे रखे, बहुत बिल्कुल सुबह मिलेंगे, बिल्कुल एक जोश के साथ। सभी अपने अपने जरूर विचार रखें, और इन विचारों को मैं जरूर आगे तक पहुंचाएंगे। ये देखिए हमारे समाज के इतने बुजुर्ग भी, देखो इस कार्यक्रम में इतनी ठंड में कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी, बहुत अच्छा। पंजाब समाज का धर्मशाला बहुत ही बढ़िया, बहुत खुशी है। आप पंजाब से हैं, चार धाम चले गए यात्रा देखने के लिए, 10 धाम चले गए, पूरा हिंदुस्तान देख लिया, ये नहीं देखा तो क्या देखा। आज लगा ना असली यात्रा हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, आत्मा खुश हो गई, इस अंतरात्मा से जो आवाज निकल रही यही सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, कैसा लगा गुरुदेव? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई अगर कोई बोलना चाहे तो उसका स्वागत अभिनंदन है, आप बोलेंगे? अरे वाह, कुछ आप मन में आ रही है बात, मन में नहीं रखनी चाहिए बात। ये मंदिर आपने देख लिया है, और गुरुदेव आपको एक मंदिर ऐसा दिखाने वाले हैं, और आप तो पता रही है स्वयं सभी को ठाकुर जी के। आपने बहुत ऐसा हमारे समाज रोड समाज में जो घर का काम धंधा छोड़ के आपने जो समाज के लिए समय दिया, उसके लिए मैं बड़ा मेरा क्या है, मेरा नाम आपने दिया, पहचान आपने दी, इस जाति में पैदा हुआ आपने बताया। दर्शन करूं, और मैंने एक बार शायद आपसे बात भी की थी, यानी कि मैं आऊंगा जरूर, और मेरी लालसा है कि 4 बजे धाम के पहले दर्शन करूंगा। पूरे भारत में सिर्फ ठाकुर जी का मंदिर एक ही है हमारा, पूरे भारत में कहीं मंदिर नहीं है, सिर्फ वही मंदिर है। नहीं, हम बहुत जल्दी आएंगे। जोधपुर में भी नहीं है ठाकुर जी का मंदिर, प्राचीन मंदिर जो 380 बरस हो गए, उसको आपने संभाला? नहीं मैंने नहीं, आपने संभाला, मैंने तो खाली समाज का। अगर मेहनत आपने की, जो लोग था उसको जगाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, ये इतना प्रेम मेरे लिए। जी जी बताइए। मैं युवा पीढ़ी के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो हमारे बड़े बुजुर्ग वरिष्ठ लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी कुछ योगदान दें, और युवा लोग आगे बढ़ कर के आए, जो भी उनसे हो सके वो योगदान दे, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से भी समाज के लोगों को जागरूक करें और अच्छाइयों पे ध्यान दें। ठीक है, हमारी समाज में जो एक नशा करने की जो एक प्रथा चली आ रही है, काफ़ी लोग नशा करते हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ युवाओं से भी और बुजुर्गों से
कि इस चीज से दूर जाए और आने वाले समय में ताली होनी चाहिए इसको तो। क्या मजे लोगों ने मंदिर बना दिए, धर्मशाला बना दिया, जितना हम पीने के ऊपर खर्च करते हैं। मेरा एक निवेदन है कि हर व्यक्ति 100 रुपए मंथली हमारे ट्रस्ट के अकाउंट में फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, कहीं से भी वो पेमेंट डाल सकता है, जिससे कि हम आगे भी और इस ट्रस्ट को बढ़ा सके और इस धर्मशाला का विकास कर सके। बहुत बढ़िया। की बात तो ये तो भाई बात कहना चाहता हूँ, मैंने कई जगह सुना है कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए किया क्या है, बहुत युवा कहते हैं, चाहे नशे में कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, बहुत जगह सुना है कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए किया क्या है। हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। एक छोटा सा अनुपल दूंगा कि हमारे बुजुर्गों में और जाते हो किसी में भी चले जाओ, दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा में अपना भी है, थोड़ा बहुत देते हैं, माँ बाप का बनता है होता है, लेकिन हमारे में हमारे बुजुर्गों ने एक चीज शुरू से ये डाल के दिया, कैश नहीं देते। किसी भी जाति में चले जाओ, किसी में जाओ, पहले कैश दे के जाओ, बाद में बारात आएगी। ये है हमारी जाति में, ये बिल्कुल नहीं है, पहले कैश देने का कोई सीन नहीं है, बाद में भी कैश नहीं देते, सिर्फ एक छोटा सा सहरे का जो काम होता है वो होता है। और उसके अलावा तो ये चीज एक बहुत बड़ी चीज है, देखी जाए तो मैंने मेरे दोस्त है कई बिहारियों में ऐसे, मतलब और भी कई कास्टर में देखा है कि पहले कैश दो उसके बाद लड़के की बारात जाएगी लड़की को लेने के लिए। एक तरीके से बहुत गंदी रूढ़िवादी तरीका से आया है। बिल्कुल, हमारे बुजुर्गों ने इतनी अच्छी चीज दी हमारे लिए, इतनी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज है ये। अच्छा अच्छा, बहुत। तो युवाओं के लिए ये चीज है कि हमारे बुजुर्गों ने हमारा कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है। मैं यही कहता हूँ, मैं हमेशा यही कहता हूँ, रूढ़िवादी परंपराएं खत्म करो। वो हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले से खत्म कर रखी थी, लेकिन हमने हमारे बुजुर्गों की इज्जत नहीं करी। और अभी भी कई युवा कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, आज देख लो प्रूव, बहुत कुछ कर दिया, बहुत प्रूव हुआ पड़ा है कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए क्या किया, बहुत कुछ कर दिया। मैं पंजाब से हूँ, पंजाबी में ही बात करूँगा। हाँ, आपकी जो जो इच्छा। बिल्कुल, मैं पिछले 10-12 साल तो प्रधान जी नाल जुड़ा हुआ, मैं समाणे तो बिलोंग करता है, डिस्ट्रिक्ट पटियाला पंजाब, मेरा नाम लक्ष्मण दास है, मेरे साथ 15-20 लोग आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। प्रधान जी की मैंने जो इनके काम करने की लगन देखी है, मैं इनसे 10-12 साल से जुड़ा हूँ, मैंने लगन देखी है ना, तो ये अपना शरीर देखते हैं, इनको टेम्परेचर है, फीवर है, क्या है, वो भी नहीं देखते। इनके में एक काम था बरादरी का, जो ये मुकाब है ये पूर्ण हो जाए। आज बाबा भगीरथ की मंजूरी से, हमारे प्रधान जी की बहुत तपस्या से ये पूर्ण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुरुदेव को करीब 18 साल से, जब मैं छोटा सा था बचपन में, बच्चे भी नहीं हुए उससे भी पहले से जानता हूँ, तो मेरे बच्चे भी 21 साल का हो गया है उससे पहले से जानता हूँ। और आपने शायद मंदिर कब बनाया जसमा माता का, उसको कितने साल हो गए, जो बागेश्वरी कॉलोनी में बनाया, मैं गुरुदेव से पूछता हूँ कितने साल हो गए गुरुदेव? 2001 में बनाया, यानी मैं बिल्कुल 21 साल से तो मंदिर की उम्र और मेरी समाज सेवा की उम्र बराबर हो गई। कैसे बनाया होगा, कैसे सोच पैदा की होगी, लोगों को कैसे जगाया होगा, एक चुनौती है। निश्चित तौर पे चुनौती, बिल्कुल उस चुनौती का सामना आपने डट के किया है, और आप अकेले नहीं है, ये देखिए सब पूरी बिरादरी, ये आपके साथ में पूरी फौज है ना, और ये फौज आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय जसमा जी की, आप सभी का, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे प्रधान जी, प्रधान जी मोबाइल नंबर आपका ही है वो, देखा मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतनी इतनी शक्ति मिलती कहाँ से, मुझे भी वो खजाना बता दीजिए, मैं भी जाऊँगा। ये तो समाज की शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति, समाज का सारा योगदान है, समाज के योगदान से ही सब कुछ हुआ है। कहते हैं कि काजू पिस्ता खाओ खिलाओ तब आदमी में पावर आता है, बिना काजू पिस्ता खाए पावर आ गया। काजू पिस्ते की जरूरत नहीं पड़ी है, समाज में उमंग आई है, समाज की जागृति आई है भाई, हमारा आई आई 70 साल में कोई हमारे समाज की धर्मशाला नहीं बनी, तो धर्मशाला बनी है, ये हमारे समाज में जागृति आके भी बना है। मैंने ये बात पहले कह दी थी, धरती कभी बीज नहीं खाती है, धरती हमेशा देती है, और ऐसे
महापुरुष ऐसे भागीरथ हर बार जन्म लेते हैं, खाली मूर्ति बदल गई है, बाकी वही भागीरथ है सारे। कुछ लोग भूल गए हैं अपने समाज के स्वरूप को भूल गए, लेकिन वो भी भागीरथ है और एक दिन वो लौट के जरूर आएंगे और यही आएंगे आए और आ रहे हैं। आज आज वो आ चुके हैं, आज आज उसका प्रमाण बाबूलाल जी हो चुका है। यहाँ भागीरथ महाराज जी का, माता दशमा जी का, माता गंगा माता जी का यहाँ मूर्ति स्थापना की है और उनका पूरा स्वरूप यहाँ आ गया है। अब हमारे समाज के लिए पूरा यहाँ पे हमारे समाज भी पूरा यहाँ पे रहेगा, आना जाना लगा रहेगा और सभी लोग हमारे मूल समाज सेवा मंडपम हरिद्वार ट्रस्ट में सभी भागीदार होते रहेंगे और आगे ये है बनते रहे। ये है इंदर सिंह जी या पांडरा कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी ये मालवा निवाड़ के अध्यक्ष हैं, जिनका सपना है कि यानी अपना महाकाल नगरी उज्जैन के अंदर भी इस तरह की धर्मशाला अपने उस समाज धर्मशाला के लिए। क्या बात है, क्या बात है, धर्मशाला हमारे 20 करोड़ बन जाएगी। रीस पे ही होता है हमारे हमारे ओर पे चलते हैं, जब रीस करोगे तो नहीं नहीं रिक्स नहीं है, अगुवाई करनी है, रिक्स तो है ही नहीं, अगुवाई है। भागवत महाराज के बारे रिस्क नहीं है, रीस भागवत महाराज के बारे में कुछ बोलना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। जब ये धर्मशाला चालू हुई थी एक दिन रात में सपना आया, बिल्कुल बिल्कुल आया सपना, बताइए। रात में एक सपना आया कि भाई हरिद्वार में मूर्तियां पधरा है, वैसे तो हमें लगा रहता है मंदिर बनवाए। दूसरे दिन ही सुबह खड़ा हुआ तो इनका फोन आ गया महाराज अध्यक्ष महोदय जी का। अध्यक्ष महोदय ने कहा भाई वहाँ अपने मूर्ति लगानी है, अलग मूर्तियाँ बनती है तो मूर्तियाँ, इन्होंने आदेश करा कि एक मूर्ति तो आप दोगे, एक हम वहाँ से नक्शे ले लेंगे किशन जी भोपाल से। तो हमने तुरंत स्वीकार करा, मूर्तियाँ बने के लगभग करीब एक साल हो गई तैयार पड़े। तो मैं भागवत महाराज जी को आज पवित्र जगह पे स्थान दिया है और समाज का सब इकट्ठे हुए हैं, भागवत महाराज की कृपा से ही सब देन है सबकी, जो आज मैं वो खाते भी इनके परिवार को हम लोगों को। क्या बात है, क्या क्या बात है, जानता हूँ मैं, क्या बात है। सचमुद्दी मन से जो कल्पना हुई थी वो आज हमारे साकार हुई है। मैं इसके भी समाज का भारी हूँ और खास तौर अध्यक्ष महोदय ने मुझे आदेश करा था, मूर्ति आज आपके सामने है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। खामरा साहब आपने जो कर दिखाया है ना, वो शायद अच्छे अच्छों के बस में नहीं था, लेकिन आपने यही नहीं, मैं तो लगातार आपको देखता रहता हूँ और लगातार आपकी प्रेरणा लेते रहते हैं और बहुत ही सुंदर आपने के लिए। तो मेरे को 35 साल समाज के काम में सबसे आगे रहे। एक छोटे से धर्म वहाँ मंदिर बनाया था, भागवत महाराज का भी मंदिर बनाया, उसके बाद धर्मशाला बनाई, 3 जगह तहसीलों में बनाई अलवर जिले में, और आज एक छात्रावास वहाँ बड़ी बच्चे पढ़ते हैं आराम से, गाँव के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं छात्रावास में अलवर बड़ी, उसमें भी करीब 50 लाख रुपये लगाया हुआ है। सब भागवत महाराज के माँ जसमा जी की कृपा से सब बहुत बढ़िया। तो आगे भी ऐसे ही मैं तो देखिए आप शायद आपको पता नहीं है, हमें बात करते करते यहीं पे 1 घंटा हो गया है। कितना 1 घंटे से लगातार वीडियो चल रही है और ऐसा लगा जैसे अभी 5 मिनट ही हुए। ₹1000 बिल्कुल। तो गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा काम हुआ है और आप सभी की प्रेरणा से बहुत ही सुंदर काम। एक बार जैसलमेर भी बता रहा हूँ, क्या बात है, बिल्कुल हाजिर, मेरे गुरु का आशीर्वाद होगा, जरूर आऊंगा।